हालात पहले से ठीक है, दुनिया बेहतर है। जंग नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। वो आ रहा है। कुछ लोग उसे अपोकलिप्स कहते थे। वो एक तरह का ईश्वर था। वो हजारों सालों से म्यूटेंट्स की शक्तियां लेने के लिए उन्हें इकट्ठा कर रहा है। उसके साथ हमेशा चार शिष्य रहते थे, जैसे कि कयामत के चार घुड़सवार। एरिक, उनके साथ मत जाओ। तुम्हें मुझ में जो भी नजर आया था, मैंने उसे अपने परिवार के साथ दफना दिया। हम मिलकर पृथ्वी को पवित्र करेंगे। उनका बनाया हुआ सब कुछ तबाह हो जाएगा और उनकी दुनिया की राख से हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। मैंने ऐसी ताकत पहले कभी महसूस नहीं की है। वो उन्हें ले गए। रेवन, दुनिया को एक्समैन की जरूरत है। मैं कोई सुपर हीरो नहीं। स्टूडेंट्स तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखाऊंगी तो सिखाऊंगी कि लड़ते कैसे हैं। आओ मेरे साथ। तुम तो वही हो। मैं उससे नहीं डरता। मैग्नीटो, वो मेरे डैड है। क्या? उन्होंने और मेरी मां ने। हाँ, जानती हूँ। हम सब अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर सकते। तो मत करो। एपोकलिप्स दुनिया को तबाह करना चाहता है। हम सब एक ईश्वर और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़े हैं। अब तक तुमने जो भी सीखा है सब भूल जाओ। वो सब मायने नहीं रखता। कोई स्टूडेंट्स नहीं हो। हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। तुम एक्समैन हो। एक्समैन अपोकलिप्स। ये सब तुमने किया? हमें थोड़ी मदद मिली। जल्द आ रहा है हिंदी में।